हर एक जुए को तोड़ता है खुदा परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, हर एक बंधन इस समय टूटने लग जाए प्रभु जी। जो भी इस भवन में प्रवेश कर रहा होगा, इस दरवाजे से ही प्रवेश करते समय उसका बंधन टूटे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन के हर एक पिता परमेश्वर बंधन खत्म होते जाए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, नियंत्रण ले लीजिए पवित्र आत्मा, मेरे मन के ऊपर इस समय नियंत्रण बनाइए। हालेलुया रबाना खस्तबे रबाल शयदर मनगतिन बारे बेलेबा रिबाना सियंदरे लेबे नगर रबाना बा सियंथेरे लबाना बा सियंथेरे लबारबा। ओ हालेलुया 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 रबाना खत्ते रबानी गरबारबा रुथो रमा सियंथे नदे नगत बनबलसे रुगना बना खथर बला बला ले यश्यंते रे लबर बस्से यंते। ओ आपकी स्तुति हो आपकी स्तुति हो आपकी स्तुति हो परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया आपको धन्य 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 कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया प्रभु, एक नई आशीष आज हमारे जीवन में उतर के आ जाए, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक जन उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, कहिए प्रभु मुझे आपसे बात करनी है। थैंक यू होली स्पिरिट। जय हो खुदा यीशु, आपके नाम की जय हो परमेश्वर। आपको धन्य और धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं पवित्र आत्मा। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में इस प्रकार से बने रहे प्रभु, जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति बहुतायत से यहाँ पे उतर के आ जाए
प्रभु हम जब आराधना करते आज कुछ बड़े बड़े काम होने पाए। आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने बड़े कामों को किया इसलिए धन्यवाद। आपके उपकारों को याद करते हैं प्रभु जी, गिनती से बाहर है परंतु फिर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचाई पे फिर से उठाते और धन्य कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलेंगे भाई लोग भी हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओके सो हम इस समय आराधना में आगे जाएंगे। सबको ये गाना आता है, आशिक तेरा आता है? आता है। ओके सो हंसते हुए रोते हुए दुखी होके निराश होके कैसे गाना है? हंसते हुए खुशी के साथ नाचते हुए। ओके हमको परमेश्वर ने जिंदा रखा है ना, जिंदा रखा है ना। हम प्रभु को नहीं जानते तब कैसा था हमारा जीवन, आज कैसे है, देखे आपने अंतर। सो इसीलिए हम परमेश्वर को क्या देंगे, धन्यवाद देंगे। हम इसीलिए उसके साथ नाचते हुए गाते हुए गाएंगे। ओके आशिक तेरा पता है ना सबको? ओके आया हूँ मैं यहाँ यीशु
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्यों सिर्फ ये वाले जय बोल रहे, इधर कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों? ओके, हम जोर से एक साथ बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, हालेलुया। हम सब मिलकर इस समय गाएंगे, आपने सुने यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, गाएंगे, घोषित करेंगे, यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा है, उस नाम के सामने कोई नहीं टिक सकता, है ना? ओके, ताली बजाते हुए कमोन एक साथ, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, दे ताबो नाम चंगा, फिर से
हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब अपनी आवाजों को ऊंचा उठाए, कहिए हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। ओ प्रभु, ये जीवन आपका है खुदा। प्रभु ये जीवन आपने दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु आपने हमें दिया है, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी दया लगातार हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी हमारे सोचों से, हमारे विचार से बढ़कर खुदा आपने हमारे जीवन में किया है। हर एक रास्ते बंद होने पर परमेश्वर आपने इस हाथ को पकड़ के चलाया। हर एक के छोड़ने के बाद, हर एक के त्यागने के बाद खुदा आप मेरा दृढ़ गढ़ बन गए, आप मेरी चट्टान बन गए परमेश्वर। प्रभु आपके ऊपर आपने घर बनाने का सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। हर एक जन प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए।
शान उतर के आ जाए सबाथिला रबारा वशते पवित्र यहोवा आप है सर्वदा ओ स्वर्गदूतों के बीच में विराजमान स्तुतियों के बीच में विराजमान ओ रबाना
सदा न खाते न संतों के प्रार्थनाओं के बीच में विराजमान। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो आपकी, स्तुति हो आपकी, हालेलुया। गर्जनों के बीच में सिंहासन है आपका। प्रभु वो सिंहासन अब हमारे अंदर आ जाए, वो सिंहासन के साथ परमेश्वर आप हमारे अंदर विराजिए। ओ लॉर्ड, हम आपको इस समय महसूस करने लग जाए, इस समय हम आपकी उपस्थिति को जम से महसूस करने लग जाए। सखया खबा नबा नगा नगा दीना गुस्तगा नबस्थया नगस्थि मोना नस्ते। ओ मेरे खुदा, इस सिंहासन के सामने हम झुक जाते हैं। ओ साली सलू रुसुलु रुलु सुरी माना रावा ने से सतरे बना सिखो थे ननास्ति मनाबा। देखिए उसके सिंहासन को, देखिए उसके सिंहासन को, वो हमारे इन स्तुतियों के बीच में ओ धुए के समान उठते हुए वो विराज रहा है, वो विराज रहा है। सब निखा सिवरा बरा बशे। हालेलुया, हालेलुया। आप बढ़िए, आप बढ़िए मेरे अंदर से, हम घटते चले जाए, हम घटते चले जाए खुदा।
बोले जीवन से बढ़ते जाइए खुदा, लगातार हमारा सब कुछ खत्म हो जाए इस समय, हमारा देखने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, चीजों को लेने का तरीका, परमेश्वर सब कुछ खत्म हो जाए प्रभु। हम आपकी आंखों से देखें, हम आपकी जुबान से बोले परमेश्वर, आपके कानों से सुने, आपके विचार मेरे विचार में हो जाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु इनके जुबान को आप इस्तेमाल करिए दोधारी तलवार के समान, जो भी आज कहते हैं खुदा परमेश्वर वो हृदय को चीरते हुए खुदा अंदर चले जाए और प्रभु जी हमारे हृदय की पटरियों के ऊपर लिखी जाए खुदा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक वचन जो आज हम सुनते प्रभु वो हम ग्रहण करके प्रभु वैसे ही चलने पाए, धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु गवाहियों को हर एक चीज को आपके हाथों में देते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते, इसी तरीके से पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति अंत तक बने रहे, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम सब कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सब सबों को जय मसीह की। कितने लोग जिंदा हैं हाथ उठा के बोले प्रभु यीशु की जय। अपनी बाइबलों को अपने हाथों में उठाएं, कहें प्रभु यीशु इस वचन को जो जीवित है, जो देहधारी है, इस कलाम में जो वास्तविकता है, जो अभिषेक है, वो मेरे जीवन में इस वक्त उतरे और मैं आज बदल जाऊं आपके वचन के अनुसार, मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, मेरा पुराना बीत जाए और सब कुछ नया हो जाए, आज एक बार फिर से नया हो जाए यीशु के नाम से, आमेन। कितने लोग आज खुश हैं प्रभु की आराधना में, प्रभु की उपस्थिति में, वाह। लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है कि हम प्रभु के क्या हैं, मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बोलिए परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता, चर्च में नहीं रहता और किसी दूसरे पेड़ पत्थर में नहीं रहता, प्रभु का आत्मा कहाँ रहता है, मेरे अंदर रहता है। और जब वो मेरे अंदर रहता है तो उसके काम मेरे अंदर रहते हैं, हालेलुया। यदि उसके काम मेरे अंदर रहते हैं तो हम साधारण नहीं परंतु असाधारण है। आपको पता जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो वो हमको हर समय अपनी आत्मा के द्वारा प्रभावित करता चला जाता है। जितना ज्यादा हम उसके करीब आएंगे उतना ज्यादा वो हमारे करीब आएगा, जितना ज्यादा हम प्रभु के लिए प्यासे होंगे वो हमको तृप्त करता चला जाएगा। क्यों ना मेरे साथ प्रभु के वचन से निकालें यूहन्ना की किताब और उसका सातवां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका सातवां अध्याय और उसका 37वें पद से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 7:37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। वाह,
परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कोई प्यासा है वो किसके पास आए? प्रभु यीशु के पास आए। कितने लोग आज प्रभु को पाने के लिए प्यासे हैं? यदि आप सच में प्यासे हैं कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, यीशु आज आपकी प्यास बुझाने जा रहे हैं। हालेलुया। और यदि आप भूखे हैं, वो आपकी भूख मिटाने जा रहा है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो संडे स्कूल में पढ़ते थे, जीवन की रोटी यीशु ही है, और वास्तविकता में जीवन का जल और जीवन की रोटी यीशु मसीह ही है। उसके आगे लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकले? यदि आप चाहते हैं कि मेरे अंदर से जीवन की जल की नदियां बहे, तो हमको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो मेरे अंदर है। कितने लोग इस बात को पक्की खातरी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि यीशु मेरे अंदर है? हालेलुया। यस, यदि वो मेरे अंदर है तो उसकी पवित्रता मेरे अंदर होगी कि बाहर होगी? अंदर होगी। यदि यीशु मेरे अंदर है तो उसके द्वारा जो जीवन दिया गया वो मेरे अंदर होगा या बाहर होगा? यदि वो मेरे अंदर है तो उसकी सामर्थ, उसकी चंगाई, उसका अभिषेक मेरे अंदर होगा या मेरे से बाहर होगा? मेरे अंदर होगा, है ना। और जब वो मेरे अंदर होकर काम करता है तो लिखा है, जब वो अंदर है तो मेरे अंदर से कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? वचन के अनुसार यहां पे लिखा है, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से, उसके अंदर से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। नदी निकलेगी। वाह, हमारे अंदर से क्या निकलना है? किस बात का? जीवन के जल का। और ये जीवन का जल क्या है? अंडरस्टैंड, ये जीवन का जल क्या है? ये जीवन का वो जल है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारा रूपांतरण किया गया है, हमारा बदलाव किया गया है, हमारे असत्य को हटा के हमारे अंदर सत्य डाल दिया गया है, और हमारे उस पाप को प्रभु यीशु के वचन के अनुसार निकाल कर हमें धर्मी ठहराया गया है। यह वो जीवन का जल है जो हमारे अंदर से बहता है। यदि हम और आप सुन रहे हैं, जिंदा है, यस, यदि हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमको किसी और व्यक्ति की, किसी और परिचित की, उस पैसे वाले के समान, उस धनाढ्य के समान, उस खूबसूरत लड़के, हैंडसम लड़के और उस खूबसूरत लड़की के समान बनने की आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ऐसे कॉन्डमनेशन में, एक ऐसे गिल्ट में रहता है, जहां पर वो व्यक्ति दूसरे को देखता है, अरे अरे अरे, इसके पास कितना पैसा है परंतु मेरे पास तो है ही नहीं, इसके पास कितनी अच्छी पत्नी है परंतु मेरे पास है ही नहीं। ये जान कर रखिए कि जब हम अपनी तुलना दूसरे के साथ करते हैं, हम अपने आप को, जो यीशु मसीह ने हमको बनाया है, हम उसे खारिज करके, डिस्क्वालीफाई करके, हम उस व्यक्ति के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम देखते हैं। अच्छे से जानिएगा, पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहिए, अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। कभी अपने आप को दूसरे के साथ मत तौलो कि वो बेहतर है, वो अच्छा है, वो सुंदर है, वो धनी है, वो आशीषित है। कहो, मैं आशीषित हूं, मैं सुंदर हूं,
मैं मेरे पास वरदान है, मेरे पास वो सब कुछ है जो इस संसार के पास नहीं है। इस संसार के पास हो सकता है पैसा है, हो सकता है बड़ी बिल्डिंग है, हो सकता है अच्छी कार है, हो सकता है बहुत खूबसूरत पति या पत्नी है, परंतु मेरे पास तो उन सब को बनाने वाला प्रभु यीशु मेरे अंदर है। आई थिंक पहला यूहन्ना की किताब 4:4 में यहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना की किताब 4:4। हे बालको तुम परमेश्वर के हो, सब लोग हमारे पीछे बोलते जले जले ये, तुम परमेश्वर के हो कि संसार के हो? बोलिए मैं परमेश्वर का हूं। और तुमने उस पर जय पाई है, किस पर जय पाई है? संसार पर। सब लोग बोलिए मैंने संसार पर, मैंने पाप पर, मैंने घमंड पर, मैंने बुराई पर जय पाई है। आगे लिखता है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। वाह, बोलिए जो मेरे अंदर है उससे जो इस संसार में है बड़ा है। तो कौन मेरे अंदर है? यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर, वो कैसा बदला मुझे, सुने ना राइट? यीशु कहां है? मेरे अंदर है, बाहर कौन है? संसार में कौन है? अरे बाबा शैतान। तो अंदर वाला बड़ा है कि बाहर वाला बड़ा है? बाहर वाले को देखते पास्टर जी शैतान मुझको बहुत सता रहा है, सोने भी नहीं देता, काम करने भी नहीं देता, जाने भी नहीं देता, मेरे को बहुत टेंशन देता है। हालेलुया। अरे बाबा वो जो अंदर है ना वो बहुत बड़ा है, प्रभु के वचन जो कहता है वही सत्य है। बोलिए जो अंदर है वो बहुत बड़ा है उससे जो इस संसार में है। नाम भी नहीं लिखा पापी शैतान का, उससे बोल दिया जो संसार में है उससे मेरे अंदर रहने वाला बड़ा है। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो मत सुनो, बाइबल यीशु और उसका वचन आपके बारे में क्या बोलता है वही सत्य है। जो लोगों ने आपके बारे में कहा है वो झूठ है, जो लोगों ने आपके बारे में दूसरे को बताया है वो असत्य है। जो यीशु के परमेश्वर के द्वारा यीशु के चेहरे से आपके लिए चमकता है वही सत्य है। और प्रभु कहते हैं तुम मेरे मंदिर हो, हां कि ना? यदि आप परमेश्वर का मंदिर है तो प्रभु कहां रहेगा? फिर बीमारी अंदर रहेगी क्या? फिर टेंशन अंदर रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। इसलिए उसकी बात पर, किसकी बात पर? जो संसार में है उसकी बात पर, या उसको उसकी बात पर जो हमारे अंदर रहता है उसकी बात पर विश्वास करना है? हाँ जी, जो हमारे अंदर रहता है उसकी बात पर करेंगे ना। हम किसकी बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं? अरे दीदी बताऊं क्या, फलाने फलाने भैया आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। अरे हो क्या? अरे हम तो पास्टर जी को बड़ा अच्छा समझते थे, पता चला पास्टर जी ने तो ये बात गड़बड़ कर दी। अभी सब कही और सुनी बातों पर हम टिके हुए हैं। और आपको पता जो इस संसार में है, हर लिखा है हर झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने पिता शैतान से, कौन? हर झूठ बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला, सब लोग बोलिए बोलने वाला। यदि हम किसी व्यक्ति के विरोध में बोल रहे हैं, जानते नहीं कि वो व्यक्ति ने वो चीज किया है या नहीं किया है जब हम बोल रहे हैं, आपको पिता, आपको पता कि हम शैतान को अपना पिता होने की घोषणा कर रहे हैं। जब जब हमारे मुंह से झूठ निकल रहा है जान के रखिएगा कि हम बोल रहे हैं शैतान पप्पा आप तो, मैं तो आपका बेटा हूं,
और जब जब हमारी जबान से सत्य निकल रहा है, हम कह रहे हैं प्रभु यीशु आप मेरे हैं। जब जब हम नकारात्मक बात जबान से निकाल रहे हैं, तब तब हम कहते हैं ऐ शैतान प्रभु आप मेरे हैं। और जब जब हम दूसरे को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं रे बाबा, जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, तब हम कहते हैं मैं यीशु की संतान हूं। यू हैव टू डिसाइड, आपको निर्णय लेना होगा कि आप प्रभु के हैं कि आप शैतान के हैं। आपने अपनी जिंदगी में प्रभु को जगह दिया है कि हमने उन शैतानी कामों को, उस गंदी आत्मा के कामों को अपनी जगह में जीवन दिया है। इट इज वेरी इजी, बहुत सरल है कि हम बहुत आसानी से नकारात्मक सुने। गांधी जी के 3 बंदर है ना, क्या क्या बोलते, बुरा मत सुनो कि अच्छा मत सुनो, बुरा मत सुनो। इससे बहुत सरल सी चीजें हैं। जब एक व्यक्ति किसी की बुराई सुनता है ना, पता आपको, अरे हो क्या दीदी, और भी तो बताओ, ऐसा क्या, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। ऐसे बन जाते हो बुराई सुनने के लिए, बिल्कुल आपको वचन सुनेंगे तो आ करके नींद आती है, परंतु बुराई सुनने के समय कान भी खोल लेते हैं और मोबाइल खोल के रिकॉर्डिंग भी बटन दबा देते हैं ताकि पूरी बुराई रिकॉर्ड हो जाए और मैं घर जाके अच्छे से ठीक से सुन सकूं उसको। हाँ, प्रभु के वचन में जो है, वचन सुनने के समय हम मोबाइल का बटन नहीं दबाते, हम जो है बिल्कुल उन सारी बातों को हमारे अंदर आने देते हैं जिससे आपका कभी भला नहीं हो सकता। जैसे ही एक नकारात्मक बात हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर जाती है, आपको पता वो हमारे अंदर बिटरनेस, खड़वाहट उत्पन्न करने लगती है, वो हमारे अंदर अपराध उत्पन्न करने लगती है, वो हमारे अंदर ऐसी नकारात्मक कल्पनाएं उत्पन्न करने लगती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर के विरोध में है। इसलिए पड़ोसी को देख के बोलिए ना 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 ना, मुझे बुराई नहीं सुनना है, मुझे बुराई को सुनने से पहले ही अपने कानों को बंद कर लेना है। हालेलुया। यदि आप बुराई सुनने से अपने कानों को रोक लेते ना, मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से जीवन के जल की नदी बहाएगा। अब मान लो बुराई गई, चिंता गई, टेंशन गया, तेरा मेरा धन दौलत, लड़ाई झगड़ा, सास ससुर, बहु बेटा का, और क्या नाम से, टेंशन और भविष्य और पैसे का, सब बातें अंदर गया, आपके अंदर से कौन सी वाली नदी निकलेगी? हाँ जी, गैस और सिलेंडर देखे हो आप अपने सब में, सब बहनों को मालूम है ना, अपने घर में क्या लगा हुआ है, सिलेंडर और गैस, ठीक है। सिलेंडर जब अपन खरीद के लाते तो पूरा फुल रहता है ना, 16 किलो 14 किलो का रहता है, और उसको हम गैस में बैठा देते, बटन दबाए तो भर गैस चालू, और आग ना लगाए तो बड़ी खराब बदबू, परंतु आग लगा दिए तो, परंतु जब सिलेंडर खत्म हो जाता फिर दाबते रहो कितना बटन, टिक टिक टिक, लाइटर भी दबाते रहो, क्या जलेगा, कुछ भी नहीं। आपको पता एक मनुष्य का जीवन कुछ गैस और सिलेंडर के समान है, हमारी अंतरात्मा या हमारा हृदय सिलेंडर है और आपकी जबान वो गैस बर्नर है, जो अंदर रहेगा वही बाहर आएगा। यदि हमारे अंदर प्रभु का वचन है, क्या बाहर आएगा, अंदर कुछ नहीं है, क्या बाहर आएगा, फिर दबाते रहो, फुस फुस बटन दबाते रहो, घुमाते रहो, कुछ बाहर नहीं आएगा। अंदर हवा है, गैस जलाई, मुंह से निकलने वाली बात जो है उसमें दम रहेगा क्या? यदि अंदर जीवन का जल है, गैस बर्नर से क्या निकलेगा, समझ रहे हैं आप, हमारी जबान से क्या निकलेगा? यदि अंदर जीवन का जल है तो हमारी जबान से जीवन का जल निकलेगा। लिखा है जो प्यासे हैं वो मेरे पास आ जाएं। हमको किस बात की प्यास है? प्रभु मुझे बहुत पैसे वाला बनाना,
क्या करोगे भैया? हर पैसे वाला जो धरती पे आया, हिटलर जैसे आदमी है ना, धरती को जेब में लेके घूमने वाला व्यक्ति जो है जमीन में 6 फीट गड्ढे में गया तो एक भी इंच ऊपर नहीं आया, दुनिया को जीता। लिखा है यदि मैं संसार को जीत लूं और प्राण की हानि उठाऊं तो क्या लाभ। हमने सब पैसा कमाया, दौलत कमाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया, सब कुछ अच्छा कर लिया और हमने अपनी अंतर आत्मा के विषय में, हमने अपने हृदय के विषय में कुछ भी नहीं किया, क्या हमको अनंत जीवन मिल पाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, इस बात को बड़े अच्छे से समझें कि हमारे अंदर से क्या निकलना है। हमने अपने कान में जीवन की बातें डाले हैं या हमने अपने कान में बुराइयां डाली है? जो जाएगा वही वापस आएगा। सब लोग बोलिए, जो हमारे कानों से जाएगा वही हमारे हृदय से बाहर आएगा। इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है, विश्वास आता है सुनने से, बुराई आती है, हृदय कड़वा होता है, घमंड आता है। जान रहे हैं आप बात? नफरत आती है, बोलिए ना बाबा, लगेगा ना आप हमारे साथ हैं। ओके, झगड़ा आता है, फिर देख लो पति और पत्नी के बीच में महाभारत चालू, ठीक है। घृणा आती है, नफरत आती है, क्या करने से? सुनने से। बोलिए, सुनना बंद करो और बोलना चालू करो। वह बातें सुनना बंद करो जो परमेश्वर के पहचान के खिलाफ में है। सब लोग बोलिए, मुझे वो बात सुनना बंद करना है जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ में है। हालेलुया। तो कौन सी बात सुनना अच्छा है? विश्वास आता है वचन सुनने से। वाह, आ रही आपको बात समझ में? यस, हमारे अंदर विश्वास कब उत्पन्न होगा? जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरे अंदर जीवन के जल की नदी बहाऊंगा। तो इस बात को ले लेना है ना कि छोड़ दोगे? अच्छा, बहाएगा, देखेंगे कहां बहता है, नाले में बहता है, पड़ोस में बहता है, कहां बहता है? ना रे बाबा ना। वचन कहता है तेरे द्वारा दूसरों तक, दूसरे उससे तृप्त होंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। व्हाट इज दिस? ये जीवन का जल क्या है? ये जीवन का जल क्या है जो परमेश्वर हमारे अंदर से बहाना चाहता है? वो यह नहीं कि वो कैसा, ये कैसा, अरे मौसम खराब, पत्नी खराब, पति खराब, बच्चे खराब, गाड़ी खराब, जिंदगी खराब, हर चीज खराब। जीवन का जल ये है क्या? ना 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 ना, जीवन का जल तो ये है कि उसके पास, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो सत्य है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है, यह है वो जीवन का जल। मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाया है, यह है जीवन का जल। मैं किसी गिरजाघर में, किसी मंदिर में नहीं रहता हूं, परंतु मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, यह है वो जीवन का जल। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं कि मेरे अंदर जीवन का जल बहना है ना? और वो जीवन का जल यह है कि मैं परमेश्वर के समान हूं। दैट इज वाई वी हैव कन्फेस्ड, इसलिए हमने घोषणा किया है कि मेरे अंदर या मैं परमेश्वर के समान हूं। इसलिए हमने कहा मैं खूबसूरत हूं। अच्छा, एक बात आपसे पूछ लेते हैं, प्रभु धनी है या गरीब है?
प्रभु बीमार है या चंगा करने वाला है, प्रभु आशीष देने वाला है या हमसे सब कुछ छीन लेने वाला है। तो जब देने वाला ही हमारे अंदर है तो हम देने वाले बन जाएंगे कि लेने वाले बन जाएंगे? कौन मांग लेता है? जिसके पास कुछ नहीं होता, दे दे बाबा, फलाने के नाम से दे दे, ठिकाने के नाम से दे दे, पता नहीं आज संसार किसके, कई लोग तो अमिताभ बच्चन के नाम से, अमिताभ बच्चन के नाम से दे दे बाबा। हाँ, लिसन वेरी केयरफुली, यहां लिखा है कि यदि अंदर है तो तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदी निकलेगी। तो लेने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है। तो अभिषेक हर एक विश्वासी के अंदर, सामर्थ हर एक विश्वासी के अंदर, चंगाई हर एक विश्वासी के अंदर। क्यों हम सब कुछ अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का पावर, सामर्थ, अभिषेक, सब कुछ रहने के बाद हम बोलते हैं प्रभु आप मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? तो प्रभु बोलते हैं बाबा उधर कहां देख रहा है, इधर देख। हाँ जी, हम कहां देख रहे हैं और प्रभु कहां है? हाँ जी, प्रभु कहां है? ऊपर की अंदर। यहां लिखा है जो कहां के चला गया, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसके चौथे पद में लिखा है, क्योंकि जो तुम में है, सब लोग बोलिए जो तुम में है, कि जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है वो इस संसार में, अरे बाबा जो स्वर्ग में है ऑलरेडी संसार वाले से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ, परंतु लिखा है जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। तो यानी कि हमको बता रहा है यू आर नॉट ए सिंपल पर्सन, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप असाधारण हो। सब लोग बोलिए मैं साधारण हूं कि असाधारण हूं? बोलिए मैं असाधारण हूं। मेरे अंदर स्वर्ग धरती आसमान बनाने वाला सृष्टिकर्ता मेरे अंदर रहता है, मेरे अंदर काम करता है, मेरे द्वारा काम करता है। पहला मेरे अंदर, फिर मेरे द्वारा, पहले मेरे अंदर फिर मेरे द्वारा, पहले मेरे अंदर फिर मेरे द्वारा। नेवर लिसन, दिस इज द बिगेस्ट डिसीट, ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान हमारे साथ खेलता है। और वो पता क्या आपको, वो आपको कभी इस बात की सूचना या इस बात की इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचने देना चाहता कि तू परमेश्वर की समान, उसकी सृष्टि में, उसके स्वरूप में और उसकी समानता में बनाया गया है, यह सृष्टि किया गया है। क्योंकि यदि हम एक व्यक्ति सत्य को ठीक से पकड़ लेना, आपको पता शैतान के राज्य का अंत उस दिन से शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? परंतु वो हमको क्या करता है, अरे तेरे पास तो कोई खूबी नहीं है, आज तक बता तेरे को जिंदगी में क्या मिला है। ये हमारे कानों में आके नहीं बोल रहा है, हमारे अंदर ऐसे भाव, कल हम पढ़ रहे थे उन भावनाएं और कल्पनाओं को पौलुस कहता है मैं कैद करता हूं और मसीह के आज्ञाकारी होने के लिए बनाता हूं। Now, जिस क्षण आप अंदर वाले ईश्वर को, अंदर वाले पवित्र आत्मा को, जिस दिन हमने कहा था प्रभु यीशु मैं आपको तो नहीं जानता, आप मेरी जिंदगी में आ जाइए, आपको पता स्वर्ग छोड़ के उसने एक ठिकाना अपना हमारे दिल में लगा लिया, और वो ठिकाना इसीलिए लगाया कि वो आपके द्वारा इस संसार में काम कर सके, वो आपको साधारण से हटा के असाधारण बना दे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो साधारण जिंदगी देते, खाते पीते घूमते पैसा कमाते और उसके बाद उनका अंत हो जाता है। परंतु जिस दिन हमने यीशु को बोला प्रभु मेरी जिंदगी में आइए, उस दिन यीशु आके हमारे अंदर ठिकाना लगाए, इसीलिए नहीं
कि हम चंगाई पालें, छुटकारा पालें, दुष्टात्माओं से आजादी पालें, हम सब ठीक हो जाए, हालेलुया प्रभु का धन्यवाद, इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि हम उस अभिषेक को जो यीशु के अंदर है हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके। हालेलुया, सब लोग कहें मेरे अंदर यीशु इसीलिए है कि मेरे द्वारा जीवन के जल की नदी बहे। फिर ये गाना गाना छोड़ना पड़ेगा, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। तो गाने में चेंज लाना पड़ेगा, अभी तक पापी थे परंतु जिस दिन यीशु आ गया अभी भी पापी हो क्या? यीशु आ गया तो पापी नहीं हो सकते, और यदि पापी हो तो यीशु नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। गाना गा के बताते हैं हम हैं पापी, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे अंदर। आप ही बताइए, उजियाला और अंधियारा दोनों हमारे अंदर एक साथ कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। अंडरस्टैंड, इस बात को बेहतर से अच्छे से समझिए। When there is light, यदि उजियाला हमारे अंदर है तो अंधियारा नहीं हो सकता। यदि यीशु मेरे अंदर है तो आप असफल हो सकते हो क्या? और यदि हो तो नहीं जी पास्टर जी क्या बताएं, हम तो संसार में रहते हैं, दुख तो आना ही आना है। कई नई नई शादियां होती है तो ऐसी बातें आती है, और कहने वाले कहते हैं कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां हल्ला गुल्ला तो होता है। अरे बाबा, जहां दो बर्तन होते हैं वहां पे हल्ला गुल्ला उसके जीवन में होता है जो इस संसार के पीछे चलने वाले या उस संसार के अधिपति के अधीनता में चलते हैं। यदि दो बर्तन हैं और पवित्र आत्मा के अधीनता में चलते हैं, जान के रखिएगा जिंदगी भर ये वो साइलेंट, इतनी खामोशी से जहां पर चू से चा भी आवाज ना आवे, ऐसी खामोशी से जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। परंतु क्यों चीपटाक, लड़ाई झगड़ा, तूफान हमारी जिंदगी में हर दिन घटता है, क्यों पता आपको? क्योंकि इस संसार के अधिपति का प्रभाव कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। यदि हमारे जीवन में इस संसार के अधिपति का प्रभाव पाया जा रहा है तो हमको हमारे विश्वास को जांचना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा, कहां मैं चूक रहा हूं, कहां मेरे अंदर से। और सबसे बड़ा दरवाजा है क्या पता आपको, हमारे अंदर कोई बात जाने का, और वो है मेरा कान। सब लोग बोलिए मेरा कान शैतान के लिए सबसे बड़ा दरवाजा है। तो जितना बड़ा कान उतना बड़ा दरवाजा। ये वाले कान की नहीं बात कर रहे, जितना बुराई सुनने की, गलत सुनने की, नकारात्मक सुनने की भूख, उतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी में आएगा, और जो अंदर आएगा वही बाहर जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? इस बोलने के विषय में हम अगले बार आ जाएंगे आपके साथ, क्योंकि तीन चीजें हैं, बुरा मत सुनो, देखो और बोलो। सो द बिगेस्ट डोर फॉर द डेविल, शैतान के लिए सबसे बड़ा दरवाजा क्या है? वो है हमारा कान। और जैसे ही हमारे हम किसी भी नकारात्मक बात को सुनते हैं, आपको पता उसके नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी में शुरू हो जाते हैं। सब लोग अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहिए, नकारात्मक सुनना बंद कर दो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, कितना भी सच्चाई ला दे, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब दिखा दे, उसकी बात पे विश्वास मत करना। क्योंकि यीशु कहता है तुम पवित्र हो, यीशु कहता है तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, यीशु कहते हैं मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है,
तो मैं उस पर विश्वास करूंगा जो मेरा यीशु मुझसे कहता है। हालेलुया, जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्य कहें। व्हाट डू यू बिलीव, हम किस बात पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु की बात पर कि संसार की बात पे? किसकी बात में जीवन है, संसार में कि बाइबल वचन में? वाह, बोलिए वचन, मुझे जीवन का जल मेरे द्वारा बहाएगा। और जब मैं वचन सुनूंगा, जब मैं वचन अंगीकार करूंगा, जब मैं वचन पर विश्वास करूंगा, जब मैं वचन पर चलने लगूंगा, तो मैं यीशु के समान बनने लगूंगा, मैं यीशु के समान दिखने लगूंगा, मैं यीशु के समान सोचने लगूंगा, मैं यीशु के समान सामर्थी हो जाऊंगा। यीशु मसीह, प्रभु यीशु जब था हमारे साथ 2021 साल पहले संसार में थे, तो घर घर बुराई सुनने जाते थे क्या? घर घर, ए बता रे बाबा तेरा क्या चल रहा, ऐसा क्या? अरे मेरे को मालूम था तेरी सांस ऐसा ही है, तेरा क्या? अच्छा ऐसा क्या? मेरे को मालूम तेरा पति, एक काम कर तू तलाक ले ले। हाँ क्या प्रभु ऐसी बात करते फिरता था? ना 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 ना, प्रभु ने किसी भी व्यक्ति को तोड़ा नहीं परंतु जोड़ा, किसी भी बीमार को श्राप नहीं परंतु चंगा किया, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ा नहीं परंतु बनाया है। हालेलुया, अब हम रुक जाएंगे, सब लोग इस बात पर खड़े हो जाइए कि मेरे अंदर जो है वह जो इस संसार से बड़ा है। हालेलुया, सब लोग अपने पैरों को बल खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को कहें लॉर्ड, प्रभु यीशु मेरे अंदर आपकी प्रभावों का उस जल की नदियां बहाना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। स्टार्ट प्रेइंग, कम स्पीक स्पीक, सब लोग बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु मेरे अंदर से जीवन का जल बहने लगे, प्रभु मेरे अंदर से जीवन की श्वासें बहने लगे, पर प्रभु यीशु मेरे अंदर से आपका पावर, आपकी अभिषेक बहने लगे। स्टार्ट फ्लोइंग लॉर्ड, रबानिया रबानिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद, राजा 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 राजा, अभिषेक को ढेलिए, अभिषेक को ढेलिए, बंधन को तोड़िए, हर एक नकारात्मक बातें जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, जो बंधन को उत्पन्न करती है, यीशु के नाम से तोड़िए, ब्रेक एवरी बाउंडेज, ब्रेक, सब लोग तोड़िए, यीशु के नाम से बोलिए मैं बंधन तोड़ देता हूं, मेरे कानों से सुनी गई नकारात्मक बातों की बंधन को मैं तोड़ देता हूं, ब्रेक इन जीसस नेम, ब्रेक इन जीसस नेम, रा बा बा बा, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सेट एवरीबडी फ्री, यीशु के नाम से आपके लोग, आपके बच्चे आजाद हो जाएं, आपके बच्चे आजाद हो जाएं, यीशु के नाम से आपके बच्चे आजाद हो जाएं, हर एक उस दरवाजे को जो हमने नकारात्मक सुनने के लिए, नकारात्मक इमेजिन कल्पना करने के लिए, नकारात्मक भावनाओं को जो क्रोध है, ईर्ष्या है, बैर है, विरोध है, डाह है, जलन है, हम यीशु के नाम से अपने पैरों के तले उसे कुचल डालते हैं। राजा राजा राजा, आइए आइए, हर एक व्यक्ति के अंदर से जीवन का जल बहाइए, हर एक व्यक्ति के अंदर से जीवन का जल बहाइए। आई एम द सन एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड, ओ मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ, मैं यीशु का मंदिर हूँ, यीशु मेरे अंदर रहते हैं, हर एक बीमारियां मेरे जीवन से जा चुकी है, हर एक नकारात्मक भावनाएं मेरे जीवन से जा चुके हैं, हर एक ऊंची बातें, हर एक घमंड की बातें, हर एक भविष्य की बातें मेरे जीवन से जा चुकी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्पीक 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 स्पीक, बोलिए उससे, बातचीत करिए, लॉर्ड सेट मी फ्री, लॉर्ड सेट मी फ्री, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे छुटकारा दे दीजिए, मेरे अंदर एक अद्भुत काम घटने लगे, मेरे अंदर, मेरे द्वारा, मेरे उन सारी हीन भावनाओं को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन के बारे में नकारात्मक कहा है और मैंने नकारात्मक सुना है, मेरे जीवन से जाता रहे,
यीशु आपके वरदान की नदी, आपके अभिषेक की नदी, आपके शांति की नदी, आपके प्रेम की नदी, ओ आपके उस शांति की नदी मेरे जीवन से बहने लगे। रब्बानिया रब्बानिया रब्बानिया, मेरी प्यास बुझाइए, मेरी प्यास बुझाइए। प्रभु आपने कहा है जो प्यासा है वो मेरे पास आए। प्रभु हम आपके पास आए हैं, लॉर्ड वी नीड यू मोर देन एनीथिंग। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता है। हमें एक बार फिर से आपके उस ओ उस आग से, उस अभिषेक से, उस जीवन के जल से तृप्त करिए। फिल अस विद योर पावर। प्रभु आपके अभिषेक से जो अग्नि के समान है, हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में इसी वक्त ओ गहरे प्रभाव के रूप में काम करने लगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस धन्यवाद मेरे सच्चे खुदा। ओ आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्य कहते हैं, आपकी खूबसूरत अभिषेक के लिए, आपकी मीठी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। लॉर्ड यू आर मूविंग अवंग मिड्स। प्रभु आप हमारे बीच में चल रहे हैं, आप हमारे बीच में चल रहे हैं, आप हमारे बीच में चल रहे हैं। देखो हर एक को पवित्र आत्मा इस वक्त छू रहे हैं। फिल 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 प्रभु इस वक्त आपको छू रहे हैं। उसे ले लो, उसे ले लो, उसे ले लो। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा की अग्नि से ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। यस यस, मांगो मांगो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अद्भुत अभिषेक के रूप में उतरिए। धन्य 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 महिमा के परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर। स्टार्ट फ्लोइंग लॉर्ड, स्टार्ट योर वर्क। प्रभु एक बार फिर से अंदर से निकलने वाले उन सारी कड़वाहट को आपका तेज जला के भस्म कर देने पाए। अंदर से सारी निकलने वाली उस मलाल को जला कर नष्ट कर डाल दिए। अंदर से निकलने वाले उस सारे टेंशन को आज सुबह इसी वक्त खत्म और नष्ट कर डालिए। इस वक्त हर एक मलाल हमारी जिंदगी से हटाया जाए, हर एक चिंता यीशु के नाम से थोड़ी जाए, हर एक भविष्य का सोच, रातों में नींद नहीं आना, ओ सोच के कारण बहुत जीवन से उदासी और निराशा, यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सारा आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं। आपने हमारे जीवन में अद्भुत घटनाएं किया है, अद्भुत काम किया है। आप जीवित हैं और आपका प्रमाण, आपका अभिषेक, आपका प्यार जिंदा है। उस जीवित प्यार को हमारे अंदर से बहने दीजिए। रब्बानिया, अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक, अच्छे पिता, आज एक बार फिर से हमारे अंदर आपके पवित्र आत्मा को फिर से बहुत आयत से बहने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन।